पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। रुड़की मेयर गौरव गोयल के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए झूठे एवं मनगढ़ंत आरोपों के चलते सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने आज गंगनहर कोतवाली पहुंचकर उनके ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया तथा कोतवाली का घेराव करते हुए मेयर गौरव गोयल के यहां पूर्व में रहे कर्मचारी नीरज अग्रवाल एवं उक्त महिला द्वारा मानसिक उत्पीड़न को लेकर दोनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की। विदित हो कि विगत दिनों गंगनहर कोतवाली में मेयर गौरव गोयल के खिलाफ उनके पूर्व कर्मचारी नीरज अग्रवाल द्वारा एक महिला ने कोतवाली गंगनहर में उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर एक तहरीर दी थी। मेयर गौरव गोयल के ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों को षड्यंत्र के तहत झूठा करार दिया तथा इसमें निष्पक्ष जाँच किए जाने की मांग की। मेयर गौरव गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 22 दिसंबर को नीरज अग्रवाल उनके राजपुताना स्थित आवास पर आकर परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी थी। इस संदर्भ में उनके बड़े भाई राजीव गोयल की शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसके पश्चात नीरज को जेल जाना पड़ा था तथा कुछ दिनों बाद जमानत पर छूटकर आने के बाद ही नीरज के द्वारा उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता रहा एवं उसके द्वारा एक महिला के माध्यम से उन पर एक झूठा आरोप लगाकर गंगनहर कोतवाली में शिकायत दी गई, जिससे गुस्साए उनके समर्थकों ने कोतवाली गंगनहर पहुंचकर इस मामले को झूठा बताकर अपना विरोध व्यक्त किया। साथ ही मांग की कि मेयर गौरव गोयल पर लगे आरोपों को पुलिस निष्पक्ष जांच करे। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन निष्पक्ष रहा है तथा उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके उनकी मान सम्मान को हानि हुई है। वहीं दूसरी ओर उनके बड़े भाई राजीव गोयल की ओर से भी एक तहरीर कोतवाली गंगनहर प्रभारी को देकर नीरज अग्रवाल एवं महिला मीनाक्षी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा एवं प्रोपेगेंडा बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। जिस महिला के बारे में बात की जा रही है वो कौन है आपकी? वो मेरी माता जी हैं। इन्होंने जो है नीरज अग्रवाल ने जो है आरोप लगाया मेरे साहब के ऊपर कि उनकी वाइफ है। वाइफ कैसे होगी? वाइफ से मेरे पिताजी के हैं वो, ना तो डिवोर्स हुआ उनसे, ना उनका आज तक पता चला, ना मरे ना कुछ, तो शादी कैसे कर ली? जिस तरह आप बोल, क्या नाम है आपका? रोहित बल्ला सर। रोहित भाई, जिस तरह आप बोल रहे हो कि उन्होंने आरोप लगाया है और अगर वो आपकी माता जी है, जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया है, क्या मानते हैं कि आपकी माता जी के साथ कोई भी गलत करेगा तो उसके आप साथ देंगे या नहीं देंगे? झूठा आरोप है ये उनका। आप तो झूठा कह रहे हैं लेकिन उन्होंने तहरीर दी है तो आप झूठा कैसे टिका सकते हैं? अगर उनके साथ कोई गलत हुआ तो आप अपनी माँ के साथ रहेंगे या सामने वाले के साथ रहेंगे? सामने वाले के साथ रहूंगा मैं। अपनी माँ का कुछ नहीं? अपनी माँ के साथ कुछ नहीं। ठीक, एक चीज पार्षदों का देखिए, एक हमारा कर्मचारी था नीरज, उसका नाम था, लगभग 15 माह उसने हमारे यहाँ काम किया। मानसिक रूप से थोड़ा व्यथित प्रतीक होता है। उसकी माता जी की भी वीडियो है जिसमें उसको स्पष्ट रूप से मानसिक पीड़ित बता रही हैं। पिछले दिनों उसने हमारे घर पे आकर के और लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास किया। इसी थाना गंगनहर के जो दरोगा थे वो वहाँ पर आए और उसको गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया। इसी घटनाक्रम में वो अपने साथ एक महिला को रखता है। वो महिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, वहीं उसकी शादी हुई है। उसके बच्चे भी उस महिला से प्रताड़ित हैं और वो इस महिला इसके साथ भाग करके आ गई है। आने के बाद उस महिला द्वारा एक झूठी तहरीर यहाँ पर दी गई है, झूठा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि मेयर द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। मैंने पुलिस को कहा है कि किस तरीके से बिना तथ्यों के आधार पर कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगा सकता है, इसकी गहनता से जांच हो और झूठे पाए जाने पर उस पर निश्चित रूप से मुकदमा हो। शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते, और मैं तो कहता हूँ शहर की आम जनता, आम व्यक्ति के लिए भी कोई कैसे बोल सकता है ऐसा? एक व्यक्ति इतना उसका हौसला है कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में आप गलत अनसंड बयान दे सकते हैं। वो महिला ने जा करके वीडियो चैनल्स पे दिए। मैं तो कहता हूँ उसकी जांच हो और असत्य पाए जाने पर उस पर ठोस कार्रवाई हो और उसे हर हालत में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। हमारे सारे पार्षदगण, हमारे सारे सफाई कर्मचारी, नगर निगम रुड़की, हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, इसके साथ साथ जो भी हम सबसे जुड़े हुए लोग हैं, आम नगर की जनता, बड़ी रोष है। मेरे पास हजारों कॉल्स आ रही हैं लगातार। मैं मानसिक रूप से भी इससे बहुत में हूँ कि किस तरीके से मेरे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर 20 साल हो गए, आज तक सुई के बराबर मेरे पे कोई, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित कोई विषय हो, या महिला का विषय हो, आज तक मेरे ऊपर कोई सुई के बराबर आरोप नहीं रहा। और ये मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की महिला
उसके साथ भागी हुई है महिला जो राखी बांधती थी उसको, उसके साथ भाग करके आई है। सारे बयान उसके लड़के ने दिए हैं, सब चैनल्स पे चल रहे हैं। पुलिस आरोप, पुलिस अभी मान लो जांच कर रही है, ऐसा क्या हम लोग जल्दी कहें कि आगे कि आप सैकड़ों समर्थकों के साथ जो मैं सैकड़ों समर्थकों से नहीं आया, मैंने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जो मेरे समर्थक हैं, जो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ? पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है या फिर पुलिस पर दबाव बनाने के लिए? पुलिस की जांच पर पूरा विश्वास है, पुलिस की जांच पर मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड के अंदर सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, मुझे 1% भी पुलिस की जांच पर कोई अविश्वास नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सबक जरूर मिलना चाहिए जो झूठे आरोप लगाते हैं। आज मेरे ऊपर लगाया, कल को दूसरे पे 10वें पे लगाएंगे। एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, कहते हैं जी आरोप लगाएंगे वरना पैसे दो, तो लोगों को ब्लैकमेलिंग का काम होगा। जैसा क्या बोल रहे हैं, मानसिक रूप से वो परेशान, उसकी माँ का बयान है, उसकी माँ की ऑडियो है, वीडियो है, सॉरी वीडियो है, देखिएगा आप सब लोग, चैनल्स पे चल रही है वीडियो। डॉक्टर मेडिकल भी उनका है, होना चाहिए उसका मेडिकल, पुलिस को मेडिकल कराना चाहिए। लोगों की फेसबुक के अंदर बहुत गलत गलत कमेंट करता है सर, पुलिस ने दावा किया है कि वो मानसिक रूप से जो है पागल है, ऐसा कोई बोला मैंने, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है सर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसी बीच आप हजारों समर्थकों के साथ में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ना तो मैंने कोई प्रदर्शन किया ना मैं किसी समर्थकों के साथ आया, कोविड का समय जिस तरह मेरे साथ कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, मैं तो घर से चला था, कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो मेरे समर्थक हैं, क्योंकि आज तहरीर देने का विषय था, तो निश्चित रूप से मेरे जो सहयोगी हैं, जिस तरह की नारेबाजी की गई है, नारेबाजी को देखते हुए लगता है कि ये तो पुलिस पे दबाव बनाने के लिए, या फिर आपको विश्वास नहीं पुलिस पे? कोई दबाव बनाने की स्थिति नहीं है, मुझे सब लोग जानते हैं, रुड़की नगर की जनता बेहतर तरीके से जानती है। मैंने आज तक दबाव की राजनीति नहीं की, कभी संख्या बल की राजनीति नहीं की, मैं तो अकेला चलने वाला व्यक्ति हूँ। बेटा आ गया, ये उस महिला का बेटा है, ये उस महिला का बेटा है, बताएगा उस महिला के चरित्र के बारे में बताएगा बेटा।